أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم मैं मुजाहिद हुसैन रजवी उस्ताद दारुलूम गरीब नवाज इलाहाबाद दर्जाए सादसा की मुतालिमीन से मुखातिब हूँ और हिदाया किताबुन निकाह का दर्स देने जा रहा हूँ। हुरमते मुसाहरत का बयान चल रहा है। आज जो इबारत हमें पढ़ानी है वो इस तरह है, व ममस्सत हो इमरातुम बिशहवतिन हरमत अलैहि उम्मुहा वबनतुहा وقال الشافعي رحمة الله عليه لا تحرم وعلى هذا الخلاف مسه امرأة بشهوة ونزره إلى فرجها ونزرها إلى ذكره عن شهوة له أن المس والنذر ليس في معنى الدخول ولهذا لا يتعلق بهما فساد الصوم والإحرام ووجوب الاغتسال فلا يلحقان به ولنا أن المس والنزر سبب داع إلى الوطي فيقام مقامه في موضع الاحتياط ثم أن المس بشهوة أن تنتشر الآلة أو تزداد انتشارا هو الصحيح والمعتبر النزر إلى الفرج الداخل ولا يتحقق ذلك إلا عند اتكائها ولو مس فأنزل فقد قيل انه يوجب الحرمه والصحيح انه لا يوجبها لانه بالانزال تبين انه غير مفضي الى الوطي وعلى هذا اتيان المراه في الدبر। عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص کو کسی عورت نے شہوت کے ساتھ چھو دیا تو اس پر اس عورت کی ماں और बेटी हराम हो जाएंगी। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हराम नहीं होंगी और मर्द का किसी औरत को शहवत के साथ छूना और उसकी शर्मगाह को देखना और औरत का मर्द के जकर को शहवत के देख के साथ देखना भी इसी इख्तलाफ पर है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की दलील यह है कि मस और नजर दुखूल के माने में नहीं है, इसी वजह से इनसे यानी मस और दुखूल से रोजे और एहराम का फसाद और गुस्ल का वजूब मुतालिक नहीं होता, इसलिए उन्हें दुखूल के साथ लाहिक नहीं किया जाएगा। फिर मस बिशहवत यह है, हमारी दलील यह है कि मसो नजर ऐसे सबब हैं जो वती की तरफ दाई हैं, लिहाजा मौज़े एहतियात में उन्हें वती के कायम मकाम कर लिया जाएगा। फिर मस बिशहवत यह है कि आले में इंतशार पैदा हो जाए या उस इंतशार में इजाफा हो जाए, यही मजहब सही है। और फर्जे दाखिल की तरफ देखना मोतबर है और ये औरत के टेक लगा कर बैठे बगैर मुतहक्कक नहीं होगा। और अगर किसी ने मस किया और इंजाल हो गया तो एक कौल ये है कि ये हुरमत मुसाहरत को साबित कर देगा, लेकिन सही कौल ये है कि इससे हुरमत मुसाहरत साबित नहीं होगी, इसलिए कि इंजाल से ये बिल्कुल जाहिर हो गया कि ये मस मुफदी एललवती नहीं था और औरत के पिछले हिस्से में आना भी इसी इख्तलाफ पर है कि उससे हुरमत मुसाहरत साबित नहीं होगी। तफसील आगे आ रही है। अब ये तो रहा इस इबारत का तर्जमा। हल इबारत से पहले ये बात जहन में रखिए कि यहां जिस मस और नजर की बात है उस मस से मुराद मस से हलाल है
और उस नजर से मुराद नजर हलाल है, और इन्हीं के अख्तलाफ को बयान करना मकसूद है। मस अगर हराम हो या नजर अगर हराम हो तो इसके इख्तलाफ का बयान करना मकसूद नहीं, क्योंकि जब सैयदना इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के मसलक में मस से हराम वगैरह की असल यानी खुद जीना भी मुजिबे मुसाहरत नहीं है, तो जो चीजें अज कबीले दवाइये जिना हैं यानी मस वगैरह, इनकी हैसियत क्या है? इनसे तो बदरजाए औला इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहां हुर्मत मुसाहरत साबित नहीं होगी। अब किताब में जो मसला है उसकी सूरत यह है कि अगर किसी शख्स ने किसी औरत से निकाह किया और दुखूल से पहले तलाक दे दी तो इस सूरत में शौहर के लिए बीवी की मां हलाल है, लेकिन अगर शौहर ने तलाक देने से पहले पहले अपनी बीवी को शहवत के साथ छू लिया जो उसके लिए जायज था, या शहवत के साथ उसके फर्जे दाखिल को देख लिया जो उसके लिए जायज था, या बीवी ने शौहर को शहवत के साथ छू लिया जो उसके लिए जायज था, या उसकी शर्मगाह देख ली जो उसके लिए जायज था, तो इन सारी सूरतों में अहनाफ के यहां हुर्मते मुसाहरत साबित हो जाएगी और मियां बीवी के उसूलो फुरू एक दूसरे के लिए हराम हो जाएंगे। सैयदना इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की दलील यह है कि हुर्मते मुसाहरत के सबूत के लिए मर्द और औरत का एक दूसरे से मिलना और मर्द का दुखूल करना जरूरी है, और मस और नजर ये दुखूल के माने में नहीं है, इसलिए कि अगर मस और दुखूल मस और नजर ये दुखूल के माने में होते तो मस करने से रोजा फासिद हो जाता और हालत एहराम में मस करने से हज फासिद हो जाता। इसी तरह से दुखूल से भी गुस्ल वाजिब होता है, उसके बिलमुकाबिल मस व नजर से कुछ नहीं होता, उसका कोई असर नहीं पड़ता, न ही इन हरकतों से गुस्ल वाजिब होता है। तो जब मस और नजर दुखूल के माने में नहीं है और सबूत मुसाहरत के लिए दुखूल जरूरी है, तो हम कैसे मान लें कि ये इन चीजों से हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाएगी? अहनाफ की पहली दलील वो हदीस है जिसमें औरत की शर्मगाह का देखना यह हुर्मत मुसाहरत का सबब करार दिया गया है। चुनांचे हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अनहा की रिवायत है कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि मन नजरा एला फरजिम रातिन खुद हरमत अली है उम्मुहा व बिंतुहा, के जिसने किसी औरत के फर्ज को देख लिया तो देखने वाले पर उस औरत की मां और उसकी बेटी हराम हो गई। और दूसरी दलील यह है कि मस और नजर सिर्फ दुखूल के माने ही में नहीं बल्कि वती और दुखूल की तरफ मुफदी और दाई भी हैं, और जाप्ता यह है कि असबबुद्दाई इलशय युकामु मकामह फी मौदईल एहतियात, के मकाम एहतियात में सबब दाई को मुसबब के कायम मकाम मान लिया जाता है, यानी किसी मुफजी इलशय सबब को महल्ले एहतियात में उसी शय के कायम मकाम कर दिया जाता है। और सूरत मसला में भी चूंकि मस्सो नजर ये दाई एललवती है, दाई एललवती है, और जब दाई एललवती है वती की तरफ खींच कर ले जाने वाले हैं, वती का सबब है, इसलिए मस्सो नजर को भी वती के कायम मकाम मानकर
उन पर भी वती का हुक्म लगाया जाएगा, और इसलिए लगाया जाएगा कि ये मकाम एहतियात है और महल महल खतर है, और वती और दुखूल से हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाती है तो मस्सो नजर जो वती और दुखूल के कायम मकाम हो गए हुक्म में तो उनसे भी हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाएगी। फिर सुम्मा से साहेब हिदाया मस बिशहवत की तारीफ करते हुए फरमाते हैं कि उसकी सही तारीफ क्या है, मस बिशहवत की या नजर बिशहवत की सही तारीफ क्या है कि अगर नजर और मस से पहले आलय तनासुल में उज्वे मखसूस में इंतशार न हो तो मस की बुनियाद पर या नजर की बुनियाद पर उसमें इंतशार और हैजान पैदा हो जाए, और अगर बिलफर्ज पहले से आला मुंतशिर होना तो उसमें मजीद बेताबी और जल्दबाजी पैदा हो जाए। साहिब किताब ने क्या कहा, हुआ सही, यही कौले सही है, यानी नजर बिशहवत या मस बिशहवत में शहवत से क्या मुराद है ये बयान किया साहिब किताब ने, लेकिन एक दूसरा कौल भी है जो गैर सही है, सही नहीं है, सही यही कौल है जो साहिब हिदाया ने बयान किया है। तो अब इससे उन मशायख के कौल से एहतराज है जो मस बिशहवत के लिए इंतशार को शर्त नहीं मानते। उनका क्या कहना है कि शहवत का मतलब यह है कि उसकी तरफ मैलान कल्ब हो जाए, बस इतने से हुर्मते सही मुजाहरत साबित हो जाएगी, जबकि सही कौल के मुताबिक मैलान कल्ब का एतबार सिर्फ शुयूख और बूढ़ों पर ही सादिक और सही होगा, इसलिए नौजवानों के लिए ला मुहाला इंतशार को शर्त मानना पड़ेगा। इसी तरह नजर में औरत के फर्ज खारिज का देखना मुराद नहीं है, उससे हुर्मत मुसाहरत साबित नहीं होती, बल्कि औरत का फर्ज दाखिल की तरफ नजर करना है तो मोतबर है, फर्ज खारिज वगैरह के देखने से हुर्मत मुसाहरत साबित नहीं होगी। और साहिब किताब ने इसी बात को बयान किया है कि फर्ज दाखिल की तरफ देखने के लिए यह जरूरी है कि औरत नंगी हो और टेक लगा के अपने घुटनों को उठा के बैठ जाए, तब फर्ज दाखिल की तरफ नजर हो पाएगी, और अगर ऐसा ना हो, खड़ी है या लेटी भी है, तो भी फर्ज दाखिल की तरफ नजर नहीं होगी। वही सूरत है कि टेक लगा के बैठे, अपने पाओ को खड़ा करके बैठे, उरियां बैठे, तब फर्ज दाखिल की तरफ नजर का तहकुक होगा। फिर उसके बाद जो वलौ मस्स से इबारत शुरू है, उस इबारत का खुलासा यह है कि अगर किसी ने औरत को मस किया, भले शहवत से मस किया, लेकिन इंजाल हो गया, तो अब इस सिलसिले में दो कौल हैं, हुर्मत मुसाहरत साबित होगी कि नहीं होगी, इस सिलसिले में दो कौल हैं। एक कौल यह है कि इस मस से भी हुर्मत साबित मुसाहरत साबित हो जाएगी, इसलिए कि जब सिर्फ मस मुजीब हुर्मत है तो मस के साथ इंजाल लग गया तो इस मस में तो और कुव्वत पैदा हो जाएगी, तो बदरजे औला ये मुजीब हुर्मत मुसाहरत होगा। क्यों? इंजाल की बुनियाद पर ये शहवत मुअक्कद हो जाती है, शहवत मुस्तहकम हो जाती है, तो मस भी मुअक्कद और मुस्तहकम हो जाएगा। और जब एक चीज बिना इस्तिहकाम के मुजीबे हुर्मत मुसाहरत है तो उस चीज में अगर इस्तिहकाम पैदा हो जाए तो बदरजे औला वो मुजीबे हुर्मत होगी। शम्सुल इस्लाम अल्लामा औज़जंदी वगैरह इसी के कायल थे और यही उनका मुफ्ता बेहकौल है, लेकिन सही कौल यह है
कि इस सूरत में भी हुर्मत मुसाहरत साबित नहीं होगी। और साहिब हिदाया ने इसी कौल को इख्तियार किया है। और शम्सुल अइम्मा इमाम सरखसी, इमाम फखरुल इस्लाम बजदवी वगैरह का मुख्तार और पसंदीदा कौल यही है। दलील क्या है कि ये इससे हुर्मत मुसाहरत साबित नहीं होगी? क्योंकि मस और नजर ये बजाते खुद मुजिब हुर्मत मुसाहरत नहीं थे, बल्कि मस और नजर को मुजिब हुर्मत मुसाहरत इसलिए माना गया था कि ये वती के कायम मकाम है, इस बुनियाद पर इन्हें मुजिब हुर्मत मुसाहरत माना गया। लेकिन चूंकि मस भी शहवत की बुनियाद पर यहां इंजाल हो गया, और जब इंजाल हो गया तो यह दलील बन गई कि यह मस मुफजी अला शहवत नहीं है, नहीं थी। और जब मुफजी अला शहवत नहीं थी तो ये वती के कायम मकाम नहीं होगी, और जब वती के कायम मकाम नहीं होगी तो इस मस से हुरमत का सबूत भी नहीं होगा। और इसी इख्तलाफ पर औरत के दुबुर में आना भी है कि यानी अगर इंजाल हो जाए तो हमारे यहां वो इतियान यानी दुबुर में वती करना मुजिब हुर्मत नहीं होगा, और अगर इंजाल ना हो तो उसके मुफजी एलल वती होने की वजह से हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाएगी। लेकिन अल्लामा शम्सुल इस्लाम औसजंदी वगैरह के यहां मुतलकन इतियाने दुबुर से हुर्मत साबित हो जाएगी, खाह इंजाल हो या न हो, मगर ये मुफ्ता बेकौल नहीं है। बाकी कल इंशाअल्लाह।